अस्सलाम वालेकुम, सब ठीक होंगे? आए सब मिलके बनाते हैं अच्छी सी इफ्तारी। बनाने लगे चिकन विंग्स, और उसके लिए हमने ले लिया 1.5 kg चिकन विंग्स। और ये हमें चाहिए इसके लिए विनीगर। आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें विनीगर यूज़ कर रही हूँ। डिफरेंट चीज़ें मैरिनेट करने लगी उसके लिए डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी, किसी में लेमन किसी में विनीगर। ये है सेसमी सीड्स, थोड़े से ऐड करूँगी इसमें। और ये है मिर्च, कह लें रेड मिर्च मसाला, और साथ में चिकन विंग्स पाउडर। इसमें सबसे पहले हमने जो है ना वो चिकन विंग्स को इधर डाल देना, इस तरह डाल देंगे, जिसमें हमने इसको मैरिनेट करके रखना है। ये हमें नियरली 2 tablespoons ले लिया है विनीगर, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये जाएगा विंग मसाला, और ये हमारा चटपटा सा मिर्च मसाला, ज़्यादा नहीं मैं डाल रही। और ये है हमारे सेसमी सीड्स, और थोड़ा सा इसमें हम हनी भी ऐड करेंगे। हनी के साथ ये मसाला जो है ना वो अच्छा चिपक जाएगा और यमी बनेंगे विंग्स। अब इस सारे पेस्ट को हमने करना है मिक्स, और मैरिनेट होने के लिए इसको छोड़ देंगे 2 hours कम अज़ कम। मैं तो ऐसे ओवरनाइट करती हूँ, इसलिए आज बना के रखी हूँ। कल आज हम मैरिनेट के लिए मैं करके छोड़ दूँगी, और कल इंशाल्लाह इनको एयर फ्रायर में फ्राई करेंगे। आप ओवन में कर सकते हैं, बेक ओवन में भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में कर सकते हैं, ऑयल में कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, जैसे और जो आपका दिल करें आप इसके साथ कर सकते हैं। एयर फ्राई इज़ द बेस्ट, क्योंकि ऑयल कम यूज़ होता है, चीज़ आपको अच्छी मिल जाती है। वही ये हमारे मैरिनेट हो गए, ये अभी इनको इंशाल्लाह एक बॉक्स में डाल के रख देंगे। ये हम थोड़ा सा इसमें रेड कलर ऐड कर रहे हैं, ताकि विंग्स का जो है ना कलर भी प्यारा सा आ जाए। कलर अच्छा हो, फीलिंग हो, तो बच्चे भी शौक से खाते हैं चीज़ को। बॉक्स लेके अभी से ही इस बॉक्स में डाल के और फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। फिर हमें इसको एयर फ्राई में बनाते वक्त आपको शेयर करेंगे आपके साथ। अब मैं यहाँ मैरिनेट करने लगी हूँ चिकन टिक्का, जो कि हम टिक्का बोटी बनाएंगे सीखों के ऊपर डाल के, और बीच में शिमला मिर्च ऐड करेंगे, ओनियन ऐड करेंगे, और उसको सबसे पहले मैरिनेट करके रखने लगी हूँ। ये मेरे पास है 2 kg के करीब चिकन टिक्का, इसको मैंने धो के छोटे पीसीस कर लिए जितने मुझे चाहिए थे, जितने रिक्वायर्ड थे वो ले लिया हमने सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमने ये करना है कि सबसे पहले इस पर मसाला धो लेंगे, आधा पैकेट में ये डालूँगी। ये भी टिक्का मसाला है, किसी और ब्रांड का इस दफ़ा मैं लाई हूँ, देखते हैं ऐसा ही आधा ये ज़्यादा ना हो जाए स्पाइसी। बस अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लेमन, फ्रेश लेमन जूस है। इस तरह आपके पास अगर छोटे लेमन है ज़्यादा लेने हैं, बड़ा है तो एक काफ़ी है, मैंने तो एक ही डाला, लेकिन ये देखें ना ऑरेंज के साइज़ का लेमन है। इन मसालों के कलर इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो हम थोड़ा सा इसमें येलो कलर ऐड करूँगी। ओह ये तो मेरे पास ख़त्म हो गया है, और लास्ट में लकी मी मेरे पास है, और थोड़ा सा ओवर ऐड कर रही हूँ, कलर प्यारा लगता है सीखों पे। और क्या रह गया, दैट्स इट। ऑयल, या 1 tablespoon, ये देखिए मैं तो स्प्रे कर रही हूँ, ताकि हमें बाद में इसको स्प्रे करने की ज़रूरत ना पड़े। और ऑयल अगर बीच में थोड़ा सा ऐड कर दें किसी भी चीज़ में, तो वो अच्छा सा मैरिनेट बहुत अच्छा हो जाता है। ये हमारा मैरिनेट होने की तरफ जा रहा है, इनको बना लेंगे। तो ये हमारा मैरिनेट होने के लिए जा रहा है फ्रिज में। ये हमारा मुश्किल काम जो होता है वो मैरिनेट करना, और चीज़ों को बाय करके लाना है। अभी मैं सारी खरीद के लाई हूँ शॉप से, और अब मैंने इनको मैरिनेट कर दिया है फ्रिज में। अब नेक्स्ट क्या, हम चिकन ड्रम स्टिक्स बनाने लगे हैं, उसके लिए हम मैरिनेट कर रहे हैं। और ये 2 से
2.5 केजी मेरे पास चिकन लेग्स हैं और एक फुल चिकन है, उसके लिए हम कढ़ाई बना रहे हैं और मैरिनेट करके रख रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमने योगर्ट लिया है, 2 से 3 स्पून योगर्ट ले लिया। उसके बाद हम इसमें डालने लगे हैं तिक्का मसाला, ये हमारा तिक्का मसाला। ये मसाले थोड़े लग रहे हैं इसलिए हम थोड़े से खुद ऐड करेंगे। ये हमने ले लिया दादर मिर्च, कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी वो डाली है। ये हमारे पास पेरी पेरी मसाला है, 1 स्पून हमने वो ऐड किया है, लेमन और हर्ब्स के साथ है। मुझे लगता है हमारे पास सॉल्ट इसमें कम है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपने भी मसाले डाल सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये भी ठीक होती हैं, वही चीज़ें खुद भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने कलर ऐड किया है इसमें, टू टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड किया है और लेमन जूस स्क्वीज करेंगे। मैं इस पेस्ट को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अवॉइड करेंगे, मैंने हाथ वॉश किए हैं, डोंट वरी। आप लोग भी जो काम करें हाथ वॉश करें, उसके बाद बेफिक्र हाथों से ही करें, वही काम अच्छा होता है। वाओ, इसकी खुशबू, आई लव इट। इसको पहले देख लें, ये जारिया ने इतने अच्छे से कट्स लगा दिए हैं, जितने अच्छे कट होंगे वो उसके अंदर अच्छा आ जाएगा। और ये हम इसको साफ इसलिए कर रहे हैं, उधर रखते रखते भी इसके ऊपर मसाला आ जाएगा। ये देखें, ये ऐसे लगाते जाएं, इधर बॉक्स रख लें जिसमें अपने फ्रिज में रखने हैं, उसमें इसको लाइन से लगाते जाएं। जितने अच्छा ये मैरिनेट होगा फ्रिज में ओवर नाइट, इतना अच्छा ये रोस्ट होगा। ये हमारे चिकन पीस हो गए, लेकिन वो उसकी जगह छोड़ी नहीं है बीच में, इसको भी हमने बीच ही में रखना है ना। अब देखते हैं क्या बचा इसके लिए, नहीं तो इस पर मसाला और लगाना पड़ेगा। क्यों सारी, ये तो इतना सा थोड़ा है इसके लिए, इसका तो मसाज भी नहीं हुआ ढंग से। इसका मसाज करवाएं क्यों ज़रा, ये देखो। लग गया वैसे तो, नहीं लग गया इसके अंदर अंदर ऐसे 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 ऐसे, ये कल तक पड़े रहेगा ना तो ये अच्छा मैरिनेट हो जाएगा, बाद भी ऐसा ही होना चाहिए, यम्मी सा। चलो जी, इसको अब रखेंगे इधर और ये सब चीज़ें हम रखेंगे इधर। हम इनको अब फ्राइंग करने लगे हैं, ऑयल इतना तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक इतना गर्म तो हमारा भी नहीं हुआ। ये जारी ने फिलिंग की है, समोसों के साइज़ थोड़े बड़े हो गए लेकिन खुद ही खाने हैं, इट्स ओके। जैसे मर्जी बनाओ और मज़े से खाओ। इतना तेज़ गर्म ऑयल नहीं किया था इसलिए ऐसे शो हो रहा है। वाह जी, अपने हाथों की जो मेहनत है ना वो बोलती है, क्या बोलती है, और बनाओ और खाओ और वेट बढ़ाओ। रोज़ों में वेट ही बढ़ना है और क्या होना है। ऐसा खुशबू आ रही है, वाह जी वाह, लजीज किस्म की खुशबू आ रही है हमारे किचन में इस टाइम पे। लुक्स डार्क हो डार्क हो गए थोड़े से, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। आप अपनी मर्जी का कलर फ्राइंग कर सकते हैं, लाइट कर लें, डार्क कर लें, जो आपको पसंद है। ये हमारे यम्मी किस्म के जो है ना समोसे रेडी हैं और अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। और ये जारी का रह गया, मैं भूल गई थी चिकन का। इसको हम बना लें, उधर दिखा लें आप ये बना। मामा और जारी की मेहनत, ये भी कटे दिखाती हूँ। डार्क कलर हो गया थोड़ा सा है ना, वैसे लेकिन लाइफ में डार्क ही लग रहा, पिक्चर्स में क्यों डार्क आ रहा है। ये जारी का है चिकन समोसा, चिकन 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 है? मैंने पापड़ी बनानी थी और टाइम नहीं बचा, अब टाइम जो है ना बहुत जल्दी गुजरता है, अब तो मैं रोटी बनाऊंगा बस, सालन गर्म कर लूँ। कल का हमारा सालन बना पड़ा है आलू की, तो बच्चे जो है समोसों के साथ खुश हो जाएंगे। काफ़ी कुछ है, स्पेगेटी है, आलू की है। एक तो रमज़ान में जो है ना चीज़ें ख़त्म नहीं होती खेत से, अल्लाह की रहमत आएगी, जो चीज़ बनाओ वो फिर बची जाती है।
मैं बना बना के भी थक जाती हैं बाद में, फिर जो मैं रख रख के फिर निकाल के फिर रख के इसी चक्करों में रोज़ी गुजर जाते हैं। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ जी साल में रखे खुश रहना चाहिए, सबके रिस्क में इजाफा करे और रमज़ान में उन लोगों को भी रिस्क दें जिनके पास दो तीन टाइम के खाने का नहीं होता। ना हर एक की सुन मज़ा मुसलमानों को जुटना उनको रहम करना। ये नहीं जी जारी का चिकन समोसा भी रेडी हो गया एंड हियर वी गो। ये वाला है आप देख लीजिए, यहाँ ये जो हमने कल मैरिनेट करके रखी थी ना चिकन, क्या उसको आज हम इंशाल्लाह कुक करने के लिए बेक करने के लिए ओवन में रखने लगे। तो रोज़ा है ना जानो, आप बैठ जाए थोड़ी देर। और ये थोड़ी सी हमारी बस लेग पीस थी, ये हम इस तरह साइड्स पे रखेंगे, जितनी आ जाएंगी लकड़ी सारी आ जाए तो एक ही दफ़ा में बना तो हम कंप्लीट कर दें। जो दिखा की जाए आप समोसे भी दिखा सकते हैं साथ में। राइस नो एंड ओ दीज आर डन ज्यादा नो दे परफेक्ट। ये देखिए माशाल्लाह रेडी हो गया, इसको हम इसके अंदर डालेंगे ताकि अंदर से ज़रा अच्छा असर पकड़े। और मेरी नीट तो अच्छा हो चुका है, ये मसाला भी हम वेस्ट क्यों करें। लाइट ऑन करेंगे किचन की जरिए साइडों पे तो नहीं लग रही है लगती लेग्स और इट्स ओके। ये हमारे सीख कबाब डन हो गए हैं, थोड़े से बन गए हैं, थोड़े चीज़ें जो हैं बनना शुरू हो गई हैं, ज़ारिया निकाल रही है और उधर समोसे फ्राई होना शुरू हो गए हैं, मैं निकाल लूँ डार्क हो गई मैं चनों का पुलाव निकाल बना रही हूँ और ये तो देखी नहीं बन रहे डल रही है चीज़ें बहुत सारे काम जो है ना चल रहे हैं। यहाँ जो है ना जारिया क्या बना रही है जारी और इसमें क्या क्या डाला आपने, ये वही है जो हमने कल मैरिनेट करके रखा था फ्रिज में। और जारिया जो है इसमें शिमला मिर्च बेल पेपर जिसने काटी है डिफरेंट कलर्स की, पर्पल ओनियन ओनियन है वो इस तरह करके अभी रख रही है, जब ये पूरी तैयार हो जाएंगी तो हम इनको एयर फ्राई करेंगे। जो वेरी गुड जारी आज जी शादी करें साथ साथ। तो जो है ना चने पुलाव के लिए मैंने चने डाले हैं तो ऑलरेडी बॉयल थे, ठीक है तड़का लगाया प्याज का, उसमें खुद से स्पाइसेस ऐड किए सारे, नमक मिर्च कुटी मिर्च तबस मिर्च रेड चिली पेपर सारी तरह के मसाले, हाँ जीरा ज़रूर डाले, हल्दी डाली है जीरा डाला है नमक मिर्च सब कुछ डाल दी उसे भून लिया। अब इसको पानी डालूँगी और चावल डाल के चना पुलाव प्रोसेस है। इधर हम जो है पकौड़े ट्राई करने लगे हैं थोड़े से मशाला मशाला, ये बेसन है हलवाइयों की तरह ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया, अभी मैं थोड़ा ही डालूँगी ताकि ऑयल बैलेंस हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट दूसरी दफ़ा में ज़्यादा डाल लेंगे। नहीं वो समोसों वाला ऑयल है ना वो ज़ीरा ज़ूरा फैल गया उसका, मैं तो और तो डर्टी नहीं है ऑयल साफ सुथरा है, जानो फ्राइंग चीज़ें ऐसी होती हैं। निकालो
जरीश को टेस्ट करवाए नमक मिर्च ये खुद ही सारे करेंगे रोज़ा। यहाँ हमने ये क्या है जरी चिकन स्क्यूअर्स जो है अब इनको फ्राई में रखने लगे हैं। अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए हम कुछ ऊपर रखें इस तरह डबल में, फिर ऊपर वाली उतार लेंगे ना तो फिर नीचे वाली की साइड चेंज करेंगे। इनको टर्न बाय टर्न इसी तरह करना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम में कितनी आ गई हैं, 5 और 9 आ गए आई थिंक। इधर साइड पे बस बस आ रही हैं, ओवर फिल करेंगे तो उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा, इतनी ही पहले करते हैं। लेट्स सी नाउ ये हमारी जो है ना चिकन लेग्स और फुल चिकन जो है वो रेडी हो चुकी है नियरली। लेकिन चूँकि अभी टाइम है रोज़ा अफ्तार और न्यू ईयर सब में, तो हम इसको ओवन में ही रखेंगे ताकि ये वार्म रहे। ये जो है प्याज है और ये वाला डार्क हो गया, स्क्वीजर्स होते होते जो है ना शिमला मिर्च और प्याज का हल ख़राब हो गया, लेकिन बार अच्छे लग रहे हैं फिर भी रोस्टेड मज़े की होते हैं, है ना। क्यों नो जरीश टेस्ट करके बताओ जरीश, नमक मिर्च ये एक मैंने आपके लिए पीस रखा इसमें और चना पुलाव जो है बन के रेडी हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और अब हम इसमें डालेंगे और बाकी चीज़ें भी रेडी हो गई। ये इतने एक साइड पर डालना चाहिए, ये सारे भी डालेंगे। चिकन विंग्स भी रेडी हो गए हैं, यूनिक रेसिपी आप लोग सब ट्राई करें। और यहाँ हमारा मज़ेदार किस्म का चना पुलाव रेडी हो गया था, दम से खोल लिया मैंने और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीज़ें मिलाकर एक प्लेटर ही बनाया जाए, जिस प्लेटर में सबसे पहले मैंने फॉइल पेपर डाल लिया है और उसके ऊपर जो है चना पुलाव डाल रही हूँ, गर्मा गर्म किस्म का, बहुत ही मज़े का बना है। इसकी किसी दिन किसी और वीडियो में आपको फुल रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। ईजी है लेकिन ये मेरा अपने स्टाइल का, इसलिए मुझे तो ये बहुत ही मज़े का लगा। आप लोग भी देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा और आगे देखते जाएं कि इस प्लेटर में चना पुलाव के साथ साथ मैं और क्या चीज़ें रखने जा रही हूँ, जिसमें जो कुछ भी अभी आप लोगों के सामने बना था उस सब को हम बारी बारी इस चना पुलाव के साथ साथ सर्व करेंगे। जिसमें सबसे पहले चिकन को निकाल रही हूँ, लेकिन चिकन जो है ना वो बीच में गुम हो गई है, इसकी लेग नहीं मिल रही। मैं कोशिश कर रही थी, एक तो ये हॉट भी बहुत था, फिर मैंने कोशिश करके वो चिकन को निकाला और सबसे ऊपर चावलों के पहले फुल चिकन को ही रखा जो रोस्टेड थी, तो मतलब बादशाह सलामत सबसे ऊपर रखे गए। इसके बाद मैंने चिकन स्क्यूवर्स को एक साइड पे लगाया है और सीख कबाब बनाए थे वो साइड पे लगाए, फिर हमने चिकन विंग्स बनाए, लेग पीस थे, सब चीज़ों को 10 by 10 इसी प्लेटर में सेट कर दिया और इस तरह से हमारा ये यमी और बहुत ही मज़ेदार यूनिक किस्म का प्लेटर रेडी हो गया। क्योंकि अफ्तार के लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप बच्चों को इकट्ठा बना के दे दें, जिसको जो चीज़ पसंद है वो इसमें से लेके इजीली खा सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो है अफ्तारी में और भी चीज़ें रेडी हो चुकी थी, जैसे कि फ्रूट चाट बनाया था हमने, मिल्क शेक था, मिठाई वो थी, समोसे थे, पकोड़े थे, एवरीथिंग वाज होममेड, एवरीथिंग वाज होममेड। इसमें चना चाट थी और मिल्क केक भी, या जारिया ने मिल्क केक बहुत ही मज़ेदार बनाया था और जमशेरी मिल्क भी था और मज़ेदार अफ्तारी रेडी हो गया। मैंने कुछ घरों में अफ्तारी जो है वो भेजी भी बनाकर, कुछ गेस्ट भी हमारे आए हुए थे तो हमने मिलके अफ्तारी की और रोज़ा खोलने का टाइम हो गया, लिहाजा सब रोज़ा खोलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।